हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि वोजो ने यूफेन से रंग बिरंगा ग्लेज आयरन का इंतजाम करने के लिए कहा था, जिसके बदले वो उसके लिए एक पोएम भी लिखने के लिए तैयार था। तो यूफेन उससे पूछता है कि अचानक से तुम्हें इस टाइप की चीजें क्यों चाहिए। तो उस पर तुरंत ही वो वहाँ से भागते हुए कहता है कि तुम इसकी केयर मत करो, मुझे बस चाहिए, तुम्हारे लिए यही जाना जरूरी है। मैं अभी लॉर्ड मो से मिलने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए मैं ये सब तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। इस पर वो कहता है कि ठीक है, हो जाएगा। इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और मैं ताओसेट के जीसीटी के अंदर बने हुए एक बेस को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लॉर्ड मो को देख पाते हैं, जिनके आसपास ताओसेट के सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, लेकिन यहाँ कोई भी बात नहीं कर रहा था। तभी यहाँ पर वुजो आ जाता है और वो लॉर्ड मो को ग्रीट करता है, लेकिन जैसे ही वो इन लोगों को यहाँ देखता है तो वो समझ जाता है कि लॉर्ड मो ने उसे भी यहाँ पर रिंग के लिए नहीं बुलाया है, जरूर कोई और बात है। तभी लॉर्ड मो उससे पूछते हैं कि मैंने सुना कि कल तुमने ऑर्डिनेट हाउस के जीसीडी के डिवीजन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। तो वुजो कहता है कि कुछ दिनों पहले मुझ पर हमला हुआ था और जब मैंने इन्वेस्टिगेशन की तो उसमें ऑर्डिनेट हाउस मास्टरमाइंड निकला। उनके एक्शंस न सिर्फ मेरे खिलाफ थे बल्कि ये पूरे ताओसेट के खिलाफ जा रहे थे, इसलिए मैंने वहाँ पर जाकर उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया। इस पर लॉर्ड मो खड़े होते हुए कहते हैं कि बहुत खूब, तुम आजकल जो भी कर रहे हो उसकी वजह से ताओसेट का नाम जीसीडी के अंदर काफी ज्यादा फेमस हो चुका है। इस समय जीजी अकेडमी से भी ज्यादा हमारा नाम फेमस हो रहा है और अब तो ताओसेट के सिर्फ एक इशारे से ही ऑर्नेट हाउस को पूरी तरीके से जमीन पर ला दिया गया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम लोग इस दुनिया के बादशाह हैं। इस पर वो खुश होते हुए कहता है कि आपको मेरी इतनी ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस जो कर सकता था मैंने सेक्टली किया। तभी लॉर्ड मो चिल्लाते हुए उसे शांत करा देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे इन सब कामों की वजह से ताओसेट को एक पब्लिक एनिमी बना दिया गया है। तुम जानते भी हो तुमने जो ये किया है इस काम पर कितना भारी असर होगा। कई सालों के बाद आज हमारा ताओसेट फाइनली एंजॉय कर रहा था और खुश था, लेकिन तुम्हारे इन सब कामों की वजह से अब हम पर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। जो लोग पहले ही हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे वो हमारी बढ़ती हुई प्रेस्टीज को देखकर हमें और भी ज्यादा बुरी तरीके से गिराने की कोशिश करेंगे। आज तुम पर हमला हुआ है, हो सकता है कि अगली बार तुम्हारे किसी साथी पर हमला हो, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस पर वुजो उन्हें बीच में रोकते हुए उनसे पूछता है कि अच्छा ये बताइए कि ऑर्नेट हाउस को जिस तरीके से हमने डिस्ट्रॉय किया है, अगर वो फिर से खड़ा होने की कोशिश करता है तो क्या वो हमें सप्रेस करने की कोशिश करेगा। इसका जवाब तो सीधा सीधा ना होता है, लेकिन लॉर्ड मो गुस्से में थे इसलिए वो उसे कुछ कहने वाले होते हैं, लेकिन वो जो उन्हें बीच में रोकते हुए कहता है कि पास्ट में हमारे पास एक से बढ़कर एक जीनियस रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो इस दुनिया में कदम रखते हैं तो वो बिना कारण ही मारे जाते हैं और मैं इस चीज को और ज्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता हूँ। तो उस पर लॉर्ड मो पूछते हैं कि तो फिर तुम करना क्या चाहते हो। वो कहता है कि बिल्कुल भीड़ की तरह मरने से अच्छा है हम किसी तूफान की तरह मरना पसंद करें। हम लोग पूरी तरीके से ब्लास्ट कर करके अपने रास्तों को क्लियर करते जाएंगे जब तक कि लोग हमारे आगे से हट ना जाएं। उसका कहने का मतलब ये था कि अगर कोई भी उन पर हाथ डालता है तो वो उन सभी के हाथ काट देगा, यानी कि अब वो किसी के भी दबाव में आकर अपने ताओसेट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होते हुए नहीं देखेगा। उसके बाद सुनकर लॉर्ड मो बाकी सभी से पूछते हैं कि क्या तुम लोग भी ऐसी ही सोच रखते हो। इस पर बुई बुड्ढी बताता है कि उसका भाई अपने समय का एक जीनियस हुआ करता था, लेकिन जैसे ही उसने सेट को छोड़कर दुनिया में कदम रखा तो उसे बिना बात के ही मार दिया गया, और अब वो इस चीज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है क्योंकि अब उसके शरीर का ज्यादातर हिस्सा सिर्फ रिवेंज मांग रहा है और अब वो मरने से भी नहीं डरता है, इसलिए वो वैसा ही करना चाहता है जैसा कि ब्रदर वुजो ने कहा है। उसकी इन बातों को सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग गुस्से से भर जाते हैं क्योंकि उन्हें भी वो चीज याद आ जाती है जो कि उनके पहले के साथियों के साथ हुई थी, इसीलिए वो सभी आगे बढ़कर कहते हैं कि वो सभी भी बिल्कुल वैसा ही करना चाहते हैं जैसा कि वुजो कह रहा है। वो नहीं चाहते हैं कि वो लोग बिल्कुल क्राउड की तरह मारे जाएं, और लोग तो हमेशा यही चाहेंगे कि उन्हें वो बिल्कुल केकड़ों की तरह फ्राई करके खा जाएं, और वैसे भी सभी को एक ना एक दिन तो मरना ही है तो फिर मौत से डरकर क्यों रहा जाए। इस पर लॉर्ड मो और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो गुस्से में कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं मौत से डरता हूँ? अगर सब कुछ लड़ने से और लोगों की जान लेने से ही सॉल्व हो जाता तो हम सभी पीक लॉर्ड्स मिलकर सभी लोगों को पहले ही खत्म कर चुके होते, लेकिन इससे ताओसेट का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा और वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और फिर वो कहते हैं कि थोड़ी देर का उतावलापन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता है, अगर तुम लोगों को अपने दिए के नीचे ही उजाला पाना है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद को जलाने की जरूरत नहीं है, इससे तुम्हारी मौतें बिल्कुल ही बेकार चली जाएंगी। लॉर्ड मो की बातों को सुनने के बाद इन लोगों को समझ में आ जाता है कि लॉर्ड मो क्या समझाना चाहते हैं। इतने सालों में लॉर्ड मो ने जितना कुछ सहा है उसकी वजह से अब वो अंदर से टूट चुके हैं और अब वो अपने किसी भी डिसाइपल को मरते हुए नहीं देखना चाहते हैं। अब लॉर्ड मो वुजो से कहते हैं कि हमारे ताओसेट के अंदर तुम ही इकलौते समझदार इंसान नहीं हो, तुम जैसे न जाने कितने लोगों ने अनगिनत बार कोशिश की बिल्कुल तुम्हारी ही तरह, लेकिन वो सभी मारे गए। और फिर वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि अगर तुम हमारी ताओसेट को इनहेरिट करना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ की सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी अपने कंधों पर लेना होगा। तुम्हारे पास इतनी पावर है कि तुम अपने ऊपर हुए हमले को रोक सकते हो, लेकिन क्या तुमने ये कभी सोचा है कि क्या बूझ बूढ़ी और चेंचेंगी भी ऐसा कर सकते हैं? क्या तुमने इसके बारे में कभी खुद से सवाल किया है? इस वुजो कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैंने इन सब चीजों के बारे में पहले नहीं सोचा था, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैंने जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं उन सबको मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा। इस पर लॉर्ड मो को समझ में नहीं आता है कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। तभी वुजो वहाँ से जाते हुए कहता है कि जिन लोगों ने भी हम लोगों को मारने की कोशिश की है उन लोगों को आने दो,
और फिर देखते हैं कि किस में तीनम है जो हमें हरा सके। मैं अकेले ही उन सभी का सामना करूंगा और जब तक मैं वुजो जिंदा हूँ तब तक कोई भी मेरे साथियों को चोट नहीं पहुंचा पाएगा। वुजो के वहां से जाते ही लॉर्ड वो एल्डरमा से पूछते हैं कि आप वुजो के बारे में क्या सोचते हैं। तो इस पर वो कहते हैं कि वुजो मुझे बाकी सभी से काफी डिफरेंट लगता है। हमारे ज्यादातर डिसेबल्स हमारी आवश्यक रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने के लिए एकदम वेल बिहेव और अपराइट मैनर्स वाले हैं, लेकिन अगर वुजो की बात की जाए तो वो पूरी तरीके से डिफरेंट है और अगर वो किसी चीज को हासिल करना चाहता है तो वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, स्पेशली जब वो एनिमी से डील कर रहा होता है तो उसके जैसा कोई नहीं होता है। तो लॉर्ड मोहन से पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि वुजो का ये रवैया हमारे लिए अच्छा होगा या बुरा। तो इस पर वो कहते हैं कि ये सब आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है लॉर्ड मोहन, अगर आप ताओसक को पहले की तरह से ही चलाना चाहते हैं तो फिर वुजो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन अगर आप पहले के रास्ते को छोड़कर एक नया रास्ता अपनाना चाहते हैं तो मैं ये वादा करता हूँ कि वुजो आपको नए नए सरप्राइजेस देता रहेगा। इस पर अब लॉर्ड मोहन थोड़ा सा सोचते हैं और फिर सभी से पूछते हैं कि अगर तुम लोगों को ये पता हो कि ऑर्नेट हाउस को डिस्ट्रॉय करने के बाद तुम्हें टारगेट और तुम्हें असैसिनेट किया जाएगा तो क्या इसके बाद भी तुम लोग ये एक्शन लेने के लिए तैयार हो। इस पर वो सभी तुरंत ही हाँ कर देते हैं क्योंकि अगर उन्हें मौत से डर होता तो वो कभी भी ताओसेट को ज्वाइन नहीं करते और वैसे भी इधर उधर भटकते हुए सर्वाइव करने से अच्छा है कि वो बैटलफील्ड में लड़ते हुए मारे जाएं। उनकी बात को सुनने के बाद बिना कुछ कहे लॉर्ड वो वहां जाने लगते हैं। तो इस पर एल्डरमा से पूछते हैं कि आप कहां जा रहे हैं। तो इस पर वो कहते हैं कि वुजो ने जो भी रायता फैलाया है मैं उसको समेटने जा रहा हूँ। ऑर्डेंट हाउस के जीसीटी डिवीजन को डिस्ट्रॉय करना बच्चों का खेल है क्योंकि अभी तुम्हें याद रखना चाहिए कि उसका फोर्ट्रेस अभी भी खड़ा हुआ है। अगर तुम कुछ भी करना चाहते हो तो उसको बिल्कुल आखिर तक करो क्योंकि अगर तुमने टाइगर को नहीं मारा तो टाइगर अंत में तुम्हें मार देगा। ये कहते हुए वो वहां से चले जाते हैं। इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हमें ताओसेट के एक फ्लाइंग माउंटेन को दिखाया जाता है जहाँ पर एक बैल लगी होती है जिसकी सुरक्षा में दो गार्ड्स खड़े होते हैं और उनमें से एक गार्ड दूसरे से कहता है कि आखिर इस बैल को यहाँ लगाया क्यों गया है, मैं एक महीने से यहाँ इसे गार्ड कर रहा हूँ लेकिन आज तक इसे बजाने के लिए कोई नहीं आया। तो इस पर वो उसे बताता है कि ये बैल कैजुअली रिंग करने के लिए नहीं है, अगर इसे एक बार बजा दिया गया तो बहुत कुछ बदल जाएगा क्योंकि इस बैल को वार्निंग बैल कहते हैं। पर वो पहले वाला गार्ड कहता है कि अगर मैं खुशनसीब रहा तो मुझे इसी जिंदगी में शायद इसकी आवाज़ सुनाई दे जाए। इस पर वो दूसरा वाला गार्ड उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि रहने दो यार, तुम इतने भी ज्यादा खुशनसीब नहीं हो क्योंकि लॉर्ड मो इसे कभी भी इस तरीके से नहीं बजाने वाले हैं, अगर तुम इसे सुनना है तो तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इस पर वो तभी एक तरफ इशारा करते हुए कहता है लॉर्ड मो आप यहाँ क्या कुछ गड़बड़ हुई है। हम देखते हैं कि लॉर्ड मो यहाँ पर अकेले नहीं बल्कि सभी पीक लॉर्ड के साथ आए होते हैं और फिर वो वहाँ आकर सभी को बताते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स ने एक लॉ बनाया था कि ह्यूमन टैलेंट्स को मजे के लिए मारना बिल्कुल भी बैन है, लेकिन ऑर्नेट हाउस ने इस लॉ को तोड़ा है, इसलिए आज मैं इस ताओ संप्रदाय का लीडर होने के नाते मैं ऐलान करता हूँ कि आज हम लोग ऑर्नेट हाउस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे और जो भी रेजिस्ट करेगा वो मारा जाएगा। इसी के साथ वो वेपन पीक के पीक लॉर्ड को बड़ी सी बैल को रिंग करने के लिए कहते हैं। उनका ऑर्डर मिलते ही पीक लॉर्ड तुरंत ही उस बैल को बजा देते हैं। उनके ऐसा करते ही एक ऑर्डर पास होता है जो कि ताओसेक की तरफ से हर तरफ फैल जाता है और सभी को ये पता चल जाता है कि ताओसेक ने अब अपने पुराने रवैये को छोड़ दिया है और अब वो अपने दुश्मन को खत्म करने पर ध्यान देने वाला है। इसके बाद हम इन्फिनिटी ओशन में देखते हैं जहाँ पर हम एक बहुत बड़े पत्थर के कछुए को देखते हैं जिसके ऊपर शायद पूरा का पूरा शहर बसा हुआ था और वो ये सुनकर कहता है कि लगता है कि ताओसेक का बुलावा आ गया। इसके बाद हम इटर्निटी माउंटेन को देखते हैं जहाँ पर एक आदमी इस ऑर्डर को देखते हुए कहता है कि आखिरकार वो समय आई गया जब मैं ताओसेक के फेवर्स को रिपे कर पाऊंगा। इतना कहते ही वो अपने हंटर को जमीन में मार देता है। इसके बाद हम नॉर्थ मोस्ट को देखते हैं। अब मोस्ट है ईस्ट वो तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पर जो कैसल होता है उसके अंदर जो लेडी होती है वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होती है और वो इस ऑर्डर को देखने के बाद कहती है कितने सालों के बाद आखिरकार मुझे उसने बुला ही लिया। इसके बाद ये सीन शिफ्ट होकर वापस से हमें ताओसेक में दिखाया जाता है जहाँ पर अब ताओसेक के लीडर यानी कि हमारे लॉर्ड मो वहाँ से जाते हुए ताओसेक के सभी डिसाइबल्स को ऑर्नेट हाउस को डिस्ट्रॉय करने के लिए उनके साथ चलने के लिए कहते हैं। इतना सुनते ही सभी पीक लॉर्ड्स के साथ साथ सारे के सारे डिसाइबल्स उनके साथ उस तरफ बढ़ जाते हैं। अब इसके कुछ देर बाद हम जीसीटी में वुजो को शिमी के साथ देखते हैं जो कि उसे पूछती है कि आखिर आप मुझे इस टावर के पास क्यों लेकर आए हैं। तो इस पर वो उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा अच्छी है, यहाँ पर काफी ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स हैं और काफी एक्सपेंसिव भी, ये जगह लोगों को मारने के लिए एकदम सूटेबल है। तभी वहाँ पर भागता हुआ यूफेंग आता है और वो वुजो से कहता है कि ताओसेक ने रिंग को बजाया है, उन्होंने ऑर्डर पास किया है कि वो ऑर्नेट हाउस को पूरी तरीके से खत्म करने वाले हैं, क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो। इस पर वुजो मुस्कुराते हुए कहता है कि लगता है कि लॉर्ड मो ने अपने पुराने रास्ते को छोड़ दिया है, अब लगता है कि मेरा काम करने का टाइम आ चुका है। और फिर वो यूवेंग से कहता है कि क्या तुमने जीसीटी के सभी सेक्ट्स को यहाँ लाने का काम कर दिया है क्योंकि मुझे कुछ अनाउंस करना है। तो वो कहता है कि मैंने सभी को तो नहीं लेकिन उनमें से ज्यादातर लोगों को यहाँ लाने के लिए मना लिया है और वो यहाँ पर बस आते ही होंगे। और फिर वो पूछता है कि अगर वैसे तुम करना क्या चाहते हो। तो वो शिमी के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे वहाँ से ले जाते हुए कहता है कि तुम जल्दी जान जाओगे और फिर वो वहाँ से फ्लाई करते हुए जाने लगता है। और हम देखते हैं कि इस समय शिमी काफी ज्यादा शर्मा रही होती है और फिर वो फ्लाई करता हुआ सामने वाले टावर के सबसे ऊपर वाले मंजिल पर जा पहुँचता है। अब जैसे ही वहाँ सभी लोग आ जाते हैं तो वो अनाउंस करते हुए बताता है
कि सभी लोग ऑर्बिट हाउस की तरह ही हम ताओ सेक्टर वालों को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहते हैं। इसीलिए आज मैं तुम्हें सभी को एक ही बार में सेटिस्फाई करने का मौका दे रहा हूँ। और फिर वो वहाँ उन सभी खड़े लोगों को कहता है कि अगर तुम्हें से कोई भी मुझे चैलेंज करना चाहता है, चाहे वो मुझसे कितना ही ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, मैं उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करूंगा। वो सभी के चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाला है। इस बात को सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और किसी को समझ में नहीं आता है कि आखिर ये इतनी बड़ी बेवकूफी कर क्यों रहा है। वहीं हम कुछ लोगों को थोड़ी दूर पर पेड़ पर छुपा हुआ देख पाते हैं। तभी उनका एक बंदा उनके बॉस को आकर बताता है कि यहाँ पर ताओ सेक्टर का कोई भी और इंसान नहीं है। मुझे लगता है कि ये लड़का कुछ अलग ही करना चाहता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी बेवकूफी क्यों कर रहा है। तो इस पर वो उसका बॉस मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे तो लगा था कि इंसान पहले वाले हमले को देखकर डर के मारे एक कॉफिन में खुद ब खुद घुस जाएगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि इतनी बड़ी बेवकूफी करके खुद ही मरने के लिए यहाँ चला आएगा। वैसे हमारे लिए ये काफी अच्छी न्यूज है। और फिर वो अपने एक बंदे को जिसका नाम फिफ्थ होता है उसे तुरंत ही वापस जाकर कुछ रीइंफोर्समेंट को लाने के लिए कहता है और बाकी सभी को फाइट के लिए प्रिपेयर होने के लिए कहता है। इधर हम वूजो को देखते हैं जो कि ऊपर टावर पर बैठकर बड़े मजे में चाय पी रहा होता है और वो मनी मन सोचता है कि उसने जो ब्लड डीमन को मारकर उसके अंदर से जो पॉइजन निकाला था आज उसका यूज करने का टाइम आ गया है। तभी वहाँ पर तीन असैसिन्स आ जाते हैं जो कि वूजो को घेर लेते हैं और कहते हैं कि अब चूंकि तुमने मरने के लिए इन सब का इंतजाम खुद ही किया है तो उसके लिए तुम्हें बेस्ट ऑफ लक। इन किलर्स को देखकर एक आदमी कहता है लगता है किलिंग स्टार्ट होने वाली है। इनके ऑरा को देखकर लगता है कि ये लोग सभी डिवाइन एमेसमेंट स्टेज के पीक पर हैं। पता नहीं वूजो इनके सामने कैसे टिक पाएगा। तभी इन असैसिन्स में से एक असैसिन्स वूजो से कहता है कि आज तुम्हारे साथ जो भी होने वाला है उन सब का ब्लेम तुम मुझ पर मत डालना, क्योंकि एक तो तुम ताओ सेक्टर डिसेबल हो और ऊपर से इतने ज्यादा आउटस्टैंडिंग हो। अगर तुम जिंदा रहे तो हमारी तो रातों की नींद छिन जाएगी। इस पर वूजो जमाई लेते हुए कहता है कि तुम लोग कितना ज्यादा बोर करते हो। और फिर वो एक डेंजरस सा लुक देते हुए कहता है कि जब तुम यहाँ आए तो तुमने आने के बाद कुछ नोटिस नहीं किया। इस पर दूसरा कहता है कि नोटिस नहीं तो कुछ भी नहीं किया। जिस पर उसका साथी उसे कहता है कि ये बस हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो उन सभी को एक साथ वूजो पर अटैक करने के लिए कहता है। अब जैसे ही ये लोग वूजो पर अटैक करते हैं तो वूजो कहता है लो समय आ गया। और जैसे ही वो अपना अंगूठा नीचे करता है तो हम देखते हैं एक ही लोगों को कुछ होता है और ये लोग तुरंत ही धड़ाम से जमीन पर जा गिरते हैं, जिसके बाद अब ये लोग अपने स्पिरिट ऑरा को भी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे थे। इस पर अब उनको समझ में आता है कि यहाँ पर जो हल्का हल्का सा धुआं फैला हुआ है अगरबत्ती वाला, उसमें जहर है, इसीलिए वो वूजो को गाली देता है। तो वूजो वहाँ से खड़ा होते हुए उनकी तरफ बढ़ता है और कहता है कि मैं गलत नहीं हूँ, तुम सभी मुझसे डील करने आए थे, लेकिन तुम लोगों को क्या लगा कि मुझे मारना इतना आसान होगा। जब तक तुम लोग यहाँ आते रहोगे तब तक मैं तुम लोगों को खत्म करता रहूंगा। इतना कहते ही वो अपनी शॉट निकालकर उन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इन सभी की चीखें बाहर तक सुनाई देती हैं। इसी टाइम पर हम नीचे देखते हैं जहाँ पर वूजो के साथी डिसेबल्स आ चुके थे और वो आते ही यूफेंग से सवाल जवाब करना शुरू कर देते हैं कि तुमने वूजो को ऐसा करने से रोका क्यों नहीं। इस पर यूफेंग उन सभी को काम डाउन करता है और कहता है कि तुम सभी चिंता मत करो, वूजो इस समय इस पगोड़ा के टॉप पर है और अभी अभी तीन डिवाइन एवेसमेंट स्टेज के पीक के किलर्स वहाँ पर गए हैं। इस पर वो काफी ज्यादा टेंशन में जाती है कि कहीं वूजो किसी प्रॉब्लम में ना हो। ये देखकर चेंग चेंग तुरंत ही वूजो की हेल्प करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी ऊपर से एक असैसिन नीचे आकर गिरता है और फिर एक के बाद एक बाकी बचे हुए दोनों भी नीचे आकर गिरते हैं। ये देखकर सभी लोगों की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि वो समझ चुके थे कि वूजो इतना पावरफुल दिखता है वो उससे ज्यादा पावरफुल और उससे ज्यादा तेज है और वो चाहकर भी उसका सामना नहीं कर सकते हैं। तभी वूजो ऊपर से कहता है कि अगर तुम लोग इन कचरों के साथ मुझसे फाइट करना चाहते हो तो फिर तुम लोग सपने ही देखते रहो, मैं अभी भी यहीं खड़ा हूँ, इसीलिए मुझे ज्यादा वेट मत करवाना। वूजो को एकदम बिल्कुल ठीक ठाक देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि ये लोग वूजो की हेल्प करने के लायक नहीं है, क्योंकि वूजो इन लोगों से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। भले ही वूजो इनका जूनियर है, लेकिन ये लोग वूजो के कहीं आसपास भी नहीं भटकते हैं पावर के मामले में। इस पर यूफेंग सभी को दिलासा देते हुए कहता है कि तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं वूजो को तुम सभी से पहले से जानता हूँ और मैं जानता हूँ कि वो किसी भी हालत में कभी भी नहीं हारता है। और अगर तुम लोग उसकी हेल्प करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें डिवाइन एवेसमेंट स्टेज में हार्ड वर्क करके ब्रेक थ्रू करना होगा। इधर हम किलर्स के बॉस को देखते हैं जो कि अपने साथियों को इतनी जल्दी मरता हुआ देखकर कहता है कि कहीं रूफ टॉप पर कोई ट्रैप तो सेट नहीं है। तभी उनके पीछे उनका साथी फिफ्थ आ जाता है जो कि रीइंफोर्समेंट लेके आ चुका था और वो यहाँ की सिचुएशन के बारे में उनसे पूछता है। तो इस पर उनका बॉस उसे बताता है कि वूजो ने हमारे सभी साथियों को मार दिया है। इस पर वो काफी ज्यादा हैरान होता है और फिर अपने बॉस से पूछता है कि हम क्या करेंगे। तो इस पर उनका बॉस कहता है कि अगर मेरा अंदाजा सही है तो वूजो ने वहाँ जरूर कोई ट्रैप सेट करके रखा होगा, इसीलिए अब मेरे प्लान को सुनो, तुम ऐसा करना फिर ऐसा करना, ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर ये लोग वूजो को मनाने लगते हैं कि वो उनकी बात मानकर उनके साथ यहाँ से चला जाए, क्योंकि यहाँ पर लड़ना उसके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इस पर वो ऊपर से हंसते हुए कहता है कि तुम लोग मेरी टेंशन मत लो, ये तो बस तीन कचरे थे और वैसे भी अगर मैं यहाँ से तुरंत चला जाऊँ तो ये कुछ ज्यादा जल्दी हो जाएगा, मैं तो बस इन लोगों को और भी ज्यादा मारना चाहता हूँ जब तक ये लोग किलर्स भेजना बंद नहीं कर देते हैं। और फिर वो लोगों को वहीं खड़े रहकर देखने के लिए कहता है और उन सभी से कहता है
कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोग इंटरफेयर मत करना। ये लोग भी समझ जाते हैं कि अगर उन्होंने इंटरफेयर किया तो इससे वूजो को ही काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। इसी बात को सोचते हुए वुडी और चेंचेंगी काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और मनी मन सोचते हैं कि हम लोग वूजो के लिए सिर्फ बर्डन बन रहे हैं, हम लोगों को जल्द से जल्द स्ट्रॉन्गर होना होगा ताकि हम वूजो तक पहुंचने से पहले इन किलर्स को संभाल सकें। अब वो लोग जब ये सोच ही रहे होते हैं कि तभी उनकी बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है और हम देखते हैं कि वो लोग ब्रेक थ्रू कर लेते हैं। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, वहीं ये लोग भी ये देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन अभी ये लोग अपनी पावर्स को स्टेबलाइज नहीं कर पाए थे क्योंकि ये हाल फिलहाल में ब्रेक थ्रू किए थे। ये देखकर इनके सभी साथी इनके चारों ओर एक घेरा बना लेते हैं जिससे ये लोग अपने कल्टीवेशन बेस को स्टेबलाइज कर पाए। तभी वहाँ पर काफी स्पीड में किलर्स आ जाते हैं जो की वूजो की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि किलर्स आ चुके हैं। इस बार के ये किलर्स पहले वाले किलर से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं और उनमें से एक असैसिन बाकी सभी को वूजो पर दूर से ही हमला करने के लिए कहता है क्योंकि उसे शक था कि वूजो के पास जाते ये लोग उसके ट्रैप में फंस जाएंगे, जिसके बाद ये सीधे ही वूजो पर अटैक कर देते हैं। ये देखकर वूजो खुश होते हुए शिमी को तुरंत ही कवर लेने के लिए कहता है और फिर तुरंत ही अपनी शॉट निकालकर फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।